हिमाचल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। कुलदीप राठौर ने कहा कि अगर कोरोना महामारी नहीं होती तो बीजेपी सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर देती। इस दौरान कुलदीप राठौर ने जीएस बाली और राजन सुशांत के दिए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश में तीसरे व चौथे विकल्प को कांग्रेस पार्टी नहीं मानती है। वहीं कुलदीप राठौर ने शहीदों को लेकर कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही शहीदों के परिजनों की हर संभव मदद की है, लेकिन बीजेपी सरकार शहीदों के परिजनों को अपेक्षित मदद करने में असफल सिद्ध हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर आज हमीरपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान कुलदीप राठौर ने जिला हमीरपुर में कांग्रेस पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान कांग्रेस के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा, बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र जार व दर्जनों कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कुलदीप राठौर ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना महामारी नहीं होती तो कांग्रेस पार्टी बीजेपी को घुटने टेकने पर मजबूर कर देती। वहीं इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने जीएस बाली और राजन सुशांत के दिए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश में तीसरे व चौथे विकल्प को कांग्रेस पार्टी नहीं मानती। कांग्रेस पार्टी को हिमाचल में मजबूत करना मेरा उद्देश्य है। अध्यक्ष हूँ, मेरा पूरा ध्यान अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगा है और आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस पार्टी एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रही है। ये तो अभी कोरोना है, कोरोना नहीं होता तो हम इस सरकार के अभी तक घुटने टकवा देते। मेरा पूरा ध्यान जो है अपनी पार्टी को मजबूत करने में, इसके अलावा मैं दाएँ बाएँ कुछ नहीं देख रहा, ना मैं किसी पर टिप्पणी करना चाहता हूँ, ना मैं किसी के बारे में कोई बात करना चाहता हूँ। देखिए मैं इस बात को कोई तवज्जो नहीं देता, सबके अपने विचार हैं, लोकतंत्र में हर बात को हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का जो है हक है। कोई तीसरे विकल्प की बात करेगा, कोई चौथे विकल्प की बात करेगा, मुझे इस बात से कोई तात्पर्य नहीं है। हमको कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। वहीं कुलदीप राठौर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा शहीद सैनिकों के परिजनों की हर संभव मदद मुहैया करवाई है, लेकिन बीजेपी ने शहीद सैनिकों के परिजनों को अपेक्षित मदद करवाने में असफल सिद्ध हुई है। मेरा ये मानना है कि हिमाचल प्रदेश जो है राष्ट्र की सुरक्षा में हमारे जो जवान हैं अग्रणी रहते हैं, हमेशा रहे हैं, बहुत बड़ी शहादतें हमारे नौजवानों ने देश की सुरक्षा में दी है। हम जब भी सरकारों में रहे हैं, हमारी सरकारों ने बहुत ज़्यादा मदद की है शहीदों के परिवारों की, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी जब से शासन में, चाहे केंद्र सरकार हो हिमाचल सरकार हो, जितनी अपेक्षित मदद होनी चाहिए वो नहीं मिल रही। अभी तो हम विपक्ष में, अभी विपक्ष में के नाते हमारे पास कोई बड़े रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पे आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी जो है सत्ता में आएगी, हमारी वापसी होगी, हम लोग एक ऐसी नीति बनाएंगे जो शहीदों के परिवारों के लिए, हमारे सैनिकों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए पहले भी कांग्रेस पार्टी ने बनाई और आगे भी हम इस बारे में विचार करके कोई ना कोई नीति बनाएंगे। जो शहीद हमारे अंकुश ठाकुर उनके घर आया था तो हमने वहाँ फैसला किया था कि हम स्मारक बनाएंगे। आज इस सिलसिले में यहाँ बैठक हो रही है, रूपरेखा तैयार होगी कि हमारा हम किस ढंग से जो है इस काम को अंजाम देंगे। जहाँ आज शहीद हुए वहाँ भी मैं जा रहा हूँ, अभी मैं पार्टी के लोगों से बात करूंगा कि उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। वहीं कुलदीप राठौर ने युवा कांग्रेस के प्रवेश शुल्क को लेकर कहा कि पार्टी ने बहुत कम निःशुल्क तय किया है जो हर कोई युवा आसानी से अदा कर सकता है। कांग्रेस के जो लोग हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह बता पाएंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो भी युवा कांग्रेस में आना चाहता है, कोई 50 रुपये शुल्क इतना ज़्यादा नहीं है, कोई भी अफोर्ड कर सकता है।